मुझे माफ कर दो प्लीज, या तो तू सॉरी मांग ले एलिस भाई और मेरे से, ठीक है? तू मांगे माफी, और एक चीज बता रहा हूँ, एक दिन है तेरे पास, एक दिन में तेरे माफी मांगी जा रही है, तो मांग ले नहीं कर खत्म कर दूंगा साले को। एक दिन दे रहा हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दीपक लाल कैसे कैसे वीडियोस बना रहा है हाइप के लिए, एलविश यादव के खिलाफ बोला जा रहा है और वही पे मुल्के ये सब व्यूज के लिए कर रहे हैं। सो यहाँ पे लग से अर्षित बयाल जो कि एलविश यादव के फैन है वो बहुत ही ज्यादा गुच्छा हो जाते हैं और भाई साहब दीपक लाल को कॉल लगाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं तुमसे सॉरी मांग लिया एलविश यादव से, या फिर अपनी लोकेशन बता दो। ऐसे में दीपक लाल क्या बोलता है आप देखिए। इसे कह दो चूहे ही समझ लो, बिना सर पैर का आदमी, बूढ़ा, सबसे पहली बात तो बूढ़ा, जो कुछ करता नहीं लाइफ में, ये सब बकचोदी करता है अपने जीवन काटने के लिए। भाई मुझे ये बता दे, या तो तू सॉरी मांग ले एलिस भाई और मेरे से, ठीक है? नहीं मांग रहा ना, तू लोकेशन दे दे फिर, लोकेशन दे। अरे तेरा पोजीशन मैं करवाऊंगा तो लोकेशन दे भाई। तो गुड़गांव में तो लोकेशन दे के बात, माफी मांग, माफी मांगे लोकेशन दे, पब्लिकली सॉरी चाहिए। तू मांगे माफी, और एक चीज बता रहा हूँ, एक दिन है तेरे पास, एक दिन में तेरे माफी मांगी जा रही है, तो मांग ले नहीं कर खत्म कर दूंगा साले को। भाई ये पिट किसके पिटने के काम है? अबे तेरे पिटने के काम है और तो कोई नहीं है। सो यहाँ पे दीपक लाल देख सकते हो कि वो ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, बात को टाल रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है उनके सामने, और वहीं पे फिर मतलब एंग्री होकर लवकेश कटारिया उसको कॉल लगाते और वहाँ पे उसको बोलते हैं तूने बहुत बड़ी गलती की थी, यहाँ तो सॉरी बोल ले, एंड इसके बारे में फिर दोनों आपस में क्या बात करते, क्या बात हुई आप देखिए। वो सब तो ठीक है, सुन तू क्या कह रहा था कल रात को अर्चित के खिलाफ वीडियो बना हुआ, तेरे शर्म ना आ रही? अबे मान जाए, तेरे को पता नहीं है एलविश छो आ रहा है, उसे छो। कह रहा दीपक को मेरे सामने मतलब ही हो, क्या दारू पी रखी है क्या तूने? क्या कह रहा है, शर्म ना आ रही तुझे? क्या बोल रहा तू, किससे बात कर रहा है? क्या कर रहा भाई तू? अर्चित है पोलमैन के बारे में, पोलमैन आ रहा हूँ, आजा। अच्छा क्या नाम है भाई तेरा? अरे मेरा नाम तो बदमो, सबना नाम बता तू क्या क्या कलाल फलाल जो भी है तू। हाँ गल गल ही बता रहे फ्री का फेम ले रहा है तू लोगों के नाम पे, कभी एलविश के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, तू फ्री का फेम ले रहा, तेरे में जोर है, तेरे में जोर है, सुन तेरे में, अगर तेरे में जोर है ना बिना किसी का नाम लिए और बिना ये रोए धोए फेम लेके दिखा अपने अपने बलबूते पे, साढ़े किसके नाम पे फेम लेता है तू? समीर राणा के नाम पे, समीर राणा के नाम पे फेम लेगा क्या? क्योंकि वो मैं उसको पप्पी देता हूँ, मेरा फैमिली फ्रेंड है वो, फैमिली फ्रेंड है। तू कहाँ का भाई? उसने दारू पी रखी है क्या? अरे ऐसा मेरा पी रखा एक दिन दे रहा हूँ, एक दिन दे रहा हूँ, या तो गुड़वा से गायब हो जा, गुड़वा से गायब हो जा, या तुझे गायब कर दूंगा एक दिन। कुछ था मेरे शामी, चूल्हे की रोटी खाता हूँ, सिस्टम को अपने जूती पे रखता हूँ, और अगर किसने काम नहीं किया ना उसको लग से मारता हूँ। सो इन सर मैटर्स एंड वीडियोस के बाद दीपक कलाल का एक वीडियो बहुत ही ज्यादा ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जहाँ पे वो किसी से माफी मांग रहा है और उसके बाल पकड़े हुए हैं और वो गिड़गिड़ा रहा है, तो वो एलविश यादव के सामने मांग रहा है, या फिर एलविश यादव किसी को भेजा है, या फिर पुराना वीडियो है। मुझे माफ कर दो प्लीज। तो कैसे ये जो माफी मांगते हुए वीडियो है दीपक कलाल का, ये मतलब पुराना वीडियो है या फिर या वे अभी मांग रहे हैं, तो क्या हुआ पूरा मैटर, एंड आप लोग क्या कहना चाहोगे, दीपक कलाल सुधर जाएगा या फिर ऐसे ही वीडियोस बना रहे थे एलविश यादव के खिलाफ? कमेंट में जरूर बताना।